समान कार्य समान वेतन को लेकर विपक्ष ने बेसिक शिक्षा मंत्री को सवाल किया है और कहा है कि अब तक निर्णय क्यों नहीं लिया गया समान कार्य समान वेतन संविदा कर्मियों के लिए क्यों नहीं दिया गया, अनुशिक्षक शिक्षा मित्रों के लिए उनका हक अब तक क्यों नहीं दिया गया। विधान परिषद बुधवार को समाजवादी पार्टी ने शिक्षा मित्रों की मांग उठाई। सपा ने समान कार्य समान वेतन को लेकर मांग करते हुए भाजपा सरकार शिक्षा मित्रों के साथ स्वतः व्यवहार कर रही है, ऐसा आरोप लगाया। नए विपक्ष के सवाल पर वे शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि हमारी सरकार जल्द निर्णय लेने जा रही है। विपक्ष ने सरकार को याद दिलाया कि जब स्कूलों में ताले लगे थे तो शिक्षा मित्रों ने उन स्कूलों को जाकर खोला था। आज 10,000 रुपये में काम करने के लिए मजबूर हैं और अवसाद में आकर अपनी जानें दे रहे हैं। सरकार को इतना संवेदनहीन नहीं होना चाहिए इन संविदा कर्मियों के संबंध में। एक और बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर, ट्रांसफ़र आदेश जल्द। अनुशिक्षक शिक्षा मित्र ट्रांसफ़र अपडेट आ रही है यहाँ पर, जैसा कि आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर एक पोस्ट आ रही है मानसू वर्मा की। उन्होंने कहा समस्त अनुशिक्षक साथियों को अब तक कराना है कि अनुशिक्षक ट्रांसफ़र से संबंधित फाइल विभाग द्वारा शासन में अनुमति के लिए भेज दी गई है। शासन से अनुमति मिलते ही ट्रांसफ़र प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। हिमांशु वर्मा रायबरेली से ये अपडेट दे रहे हैं। और आज के समाचार में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोविड नियमों का पालन कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।